हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्राफ थ्योरी की चर्चा करेंगे और शुरू के जो डेफिनेशन वगैरह हैं उसको देखेंगे। ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस में। किसी भी डोमेन में जाइए आप, जैसे नेटवर्क्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, वेब ऐप है, HTML5 डॉम है, कुछ भी करिए, अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो ग्राफ थ्योरी के बिना आपका प्रोग्राम उस क्वालिटी का नहीं होगा। ग्राफ थ्योरी के कारण आप बहुत सारे प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर जो होता है उसको समझ पाएंगे कि किस चीज़ को बताना चाह रहा है। एक दूसरे में रिलेशन जो है ग्राफ्स के जरिए बहुत बताया जा सकता है, इसलिए ग्राफ थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक्चुअली मैं क्या बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी डोमेन में जो प्रॉब्लम है अगर आपको बहुत दिन तक सोचेंगे, काफ़ी अगर नया प्रॉब्लम, चैलेंजिंग प्रॉब्लम आ गया तो आप उसको ग्राफ के जरिए समझ पाएंगे। बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड होता है कंप्यूटर साइंस में। ओके, तो इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे ग्राफ एक, जैसे ओवरऑल डेफिनेशन, या मैं फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ग्राफ कैसा दिखता है और बेसिकली आइडिया क्या है उसका। फॉर्मल डेफिनेशन जो बुक में आप देख सकते हैं। ओके, तो जैसे ये ग्राफ हो गया, ए बी सी डी, चार, ये चार ए बी सी डी क्या बनाया मैं, ये नोड है। ओके, इसको लिख देते नोड, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। और दो नोड के बीच का जो कनेक्शन है ये, इसको कहते हैं एज, ई डी जी ई, एज, एज कहते हैं। ओके, तो ये हो गया वर्टेक्स और एज, यही है ग्राफ। ग्राफ को लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में वी कॉमा ई। ये ग्राफ का डेफिनेशन, मतलब उसमें एक सेट ऑफ वर्टिसेस होता है और सेट ऑफ एज होता है, और वर्टेक्स और एज कनेक्टेड होते हैं। समझ गया, मतलब एक होल दिखना चाहिए, वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स किसी ना किसी एज से कनेक्टेड होगा, इस टाइप का होना चाहिए। जैसे देखिए एक और ग्राफ बनाते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए इसमें क्या किया मैं, डायरेक्टेड एज बना रहा हूँ, देख रहे हैं इसमें क्या है, ए बी सी, तो ए से बी एरो है, ए से सी में भी एरो है, ये डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, इसको कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। ये क्या था, अनडायरेक्टेड ग्राफ था ये। अनडायरेक्टेड मतलब इसमें कोई वो नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि ए से बी जाना, बी से भी किधर जा सकते हैं। इसमें क्या बताना चाह रहा है कि ए से आप बी जा सकते हैं लेकिन बी से ए नहीं जा सकते। जैसे ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है कि मतलब वन वे स्ट्रीट है, मान लीजिए तो एक रास्ता में जा सकते हैं, दूसरा रास्ता नहीं जा सकते, इलीगल है, तो इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस तरह से। और भी बहुत सारा चीज़ें, जैसे आप ईमेल सेंड करते हैं तो सेंडर और रिसीवर में एरो होता है, क्योंकि रिसीवर और सेंडर सेम चीज़ नहीं है, रिसीवर से सेंडर की तरफ नहीं जा सकते आप, सेंडर से रिसीवर जा सकते हैं। तो डायरेक्टेड एज का अपना इंपॉर्टेंस है। अनडायरेक्टेड एज भी होता है बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए कि एक चीज़ लाइट जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो दूसरे जगह से पीछे भी आप सेम डायरेक्शन में देख सकते हैं क्योंकि लाइट का ही प्रॉपर्टी है, तो अनडायरेक्टेड एज हुआ, वो किसी किधर से भी किधर विजिबिलिटी होगा उसमें। तो जैसे वो डायरेक्टेड ग्राफ ये, और अनडायरेक्टेड ग्राफ, उसमें आप ये समझ गए नोड का कॉन्सेप्ट, समझ गए एज का कॉन्सेप्ट, समझ गए। और क्या होता है, जैसे एक और ग्राफ बनाते, देखिए ये ग्राफ है, ये देखिए इसमें एक एज ऐसे उल्टा बना देते हैं, हो गया ए बी सी डी, ये ग्राफ का नाम दे देते हैं G3 ऐसे, ताकि बोलेंगे तो समझ जाए कि क्या बोलना चाह रहे हैं, G2, ये इसको नाम देते हैं G1, इसे नाम दे दिए। ओके, तो G3 की बात कर रहे हैं, ए से बी जा सकते हैं, ए से सी जा सकते हैं, लेकिन देखिए सी से डी नहीं जा सकते हैं, लेकिन डी से सी जा सकते हैं, ये भी एक ग्राफ है। इसमें क्या है कि देखिए, इसमें खास बात क्या है, ये बाकी से डिफरेंट क्यों है, ऐसा थोड़ा ध्यान दीजिए, डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जैसे G2 में जाइए, यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा एज नोड है, ये है, ये जैसे ए है, एक स्पेशल नोड है यहाँ पे, इसको आप रूट नोड कह सकते हैं। ओके, तो ऐसा नोड क्या है कि यहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, ए से बी पहुँच सकते हैं, ए से सी पहुँच सकते हैं। इसमें भी देखिए अनडायरेक्टेड है, इसमें किसी भी एज से नोड से कहीं भी पहुँचा जा सकता है। ओके, लेकिन G3 में देखिए क्या है, G3 में क्या बोल रहा है कि A से B जा सकते हैं, A से C जा सकते हैं,
लेकिन सी से डी नहीं जा पाएंगे, यानी ए से आप डी नहीं पहुंच सकते हैं, और डी से आप ए भी नहीं पहुंच सकते हैं, डी से बी भी नहीं पहुंच सकते, ये भी एक ग्राफ है। ओके, तो ग्राफ का एक तरह का डेफिनेशन क्या हुआ कि ग्राफ एक कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज है। लेकिन अच्छा एक और चीज बनाते हैं तब आप एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एक छोटा सा ग्राफ है, इसको G4 नाम देना चाहते हैं, एक इसमें क्वेश्चन मार्क भी बना देते हैं, ये पता चले क्यों। ए बी सी और यहाँ पे एक और ऐसे एज बनाते हैं डी और ई। मैं बोलेगा ये ग्राफ है क्या ए बी सी डी ई, ये भी एक कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स है और एज है, तो ये ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ नहीं है। अब ये ग्राफ क्यों नहीं है, उसके बाद क्या कि ये इसमें देखिए क्या है कि कनेक्शन मिसिंग है। ओके, यहाँ पे क्या है कि एक आप ऐसा लाइन बना सकते हैं, ऐसा लाइन बना सकते हैं जो कि दो ग्राफ दो चीज को डिवाइड करेगा और बीच से कोई भी एज क्रॉस नहीं कर रहा है। देखना है यहाँ से कोई चीज क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेपरेट एंटिटी है, ये दो ग्राफ का कलेक्शन नहीं है। बाकी में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा लाइन बनाइए दो एज को क्रॉस करते हुए, आपको कहीं ना कहीं एज में लग जाएगा, टक्कर लग जाएगा, मतलब क्रॉस कर जाएगा। तो क्या हुआ इसका मतलब कि वही ग्राफ होता है, ये ग्राफ नहीं है। तो ये क्या है, ये भी एक यूजफुल चीज लग रहा है देखने में। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, ओके, फॉरेस्ट क्या है, ये है एकदम ट्रू कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज। कोई भी सेट ऑफ वर्टेक्स और कोई भी सेट ऑफ एज डाल दीजिए, वो फॉरेस्ट हो गया। लेकिन ग्राफ में कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि ऐसे आप वो सब सेपरेट नहीं होना चाहिए, एक होल दिखना चाहिए, इसलिए उसको ग्राफ, वो ही ग्राफ हुआ। तो ग्राफ जो है एक तरह का वो क्या है, सबसेट है फॉरेस्ट का। ओके, सबसेट का डेफिनेशन ये। तो इसको ऐसे नीचे लाइन देते, प्रॉपर सबसेट नहीं है, मतलब फॉरेस्ट भी ग्राफ हो सकता है ना, जैसे ये जितने ग्राफ हैं सारे फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। हो गया, अब एक कॉन्सेप्ट और बच गया, वो क्या है, ट्री क्या है। ट्री यहां ले देते हैं, ट्री, ट्री क्या है। तो ट्री में क्या होता है, ट्री ऐसा चीज, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि उसमें, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ, ट्री क्या है। ट्री में क्या होता है, ट्री और ग्राफ में बहुत सिमिलैरिटी है, लेकिन क्या है, ट्री में क्या लिख सकते हैं, ट्री में देखिए क्या होता है, एक रूट नोड होता है इसमें और नो साइकल्स, ये इसका रिक्वायरमेंट है। रूट नोड मतलब क्या हुआ कि जैसे एक नोड से आप सब जगह पहुंचना चाहिए तभी वो ट्री होगा। जैसे ये देखिए ए बी सी डी, तो इसमें क्या देखिए ऐसे इस बना दिए, तो ये हो गया, ये ट्री है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो जैसे वो जी थ्री बनाए थे, जी थ्री ग्राफ है लेकिन ये ट्री नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कि रूट नोड नहीं कह सकते, इसे रूट नोड डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये ट्री नहीं हुआ, ये ग्राफ हुआ। और ये देखिए जैसे क्या एक और ग्राफ बनाते हैं जो कि ट्री नहीं है, एक मिनट, हाँ क्या है, हाँ एक और बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, हाँ जैसे साइकिल बनाते हैं ग्राफ में, ये देखिए से ए बी सी डी, अब क्या करेंगे यहाँ से एक ऐसा एज बना देते हैं, यहाँ से आते ये देखिए क्या हुआ, एक तरह का साइकिल हो गया है, देख रहे हैं, साइकिल नहीं होना चाहिए, ये ग्राफ है लेकिन ये ट्री नहीं है। ओके, देखिए तो ए से सी जा सकते हैं, ए से डी जा सकते हैं, फिर डी से ए जा सकते हैं, एक साइकिल हो गया, तो ये ग्राफ है लेकिन ट्री नहीं, इसको लिखते हैं ग्राफ बट नॉट ट्री।
ओके, इसमें रूट नोड भी है, देख रहे हैं ए है रूट नोड इसका, रूट मतलब ए क्या, आप डी को भी रूट नोड कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखिए इसमें एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसका यूनिक रूट नोड नहीं है, आप डी से शुरू करिए सब जगह पहुंच जाएंगे, सी से सब जगह पहुंच जाएंगे, तो साइकिल नहीं होना चाहिए। ये हो गया, ये ग्राफ हो गया लेकिन ट्री नहीं हुआ। तो ट्री और ग्राफ में वो फर्क है, ट्री में क्या हुआ, रूट नोड होता है और साइकिल नहीं होता है, यही हो ट्री। ट्री का अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि ट्री बहुत सिंपल डेटा स्ट्रक्चर हुआ एक तरह से, ठीक है, ट्री सबसे सिंपलेस्ट हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, ट्री इज ए सबसेट ऑफ ग्राफ एंड ग्राफ इज ए सबसेट ऑफ फॉरेस्ट, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा समझिए रिलेशन याद रख सकते हैं, ग्राफ और ट्री में रिलेशन क्या है। तो इतना ये जस्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ ग्राफ का। ओके, इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में और आप ग्राफ के साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी तो ग्राफ एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे होता है, लेकिन इसमें कौन कौन सा एल्गोरिदम लगा सकते हैं, है ना, कोई भी प्रोग्राम कैसे होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ कुछ आप एल्गोरिदम कुछ ऑपरेशन करते हैं, उसको अब आगे के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।